डॉक्टर साहब, यदि गर्भवती को लैंगिक कामनाएं अधिक है तो उनसे बहुत नुकसान होगा, इसके लिए कोई समाधान है? लैंगिक कामनाएं सब में रहती हैं, वो गर्भवती हो गर्भवती ना हो, गर्भवती में भी लैंगिक कामनाएं रहती हैं। और एक विशेष बात है यह है कि गर्भवती बनने के समय, बनने के बाद जब गर्भवती होती है उसमें लैंगिक कामनाएं बढ़ने के संभावना है, लैंगिक कामनाएं बढ़ेंगी गर्भवती में। क्यों? जब गर्भवती बनती है उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन्स, मुख्य तौर पर ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं अधिक तौर में, अधिक प्रतिशत में ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से उनमें सेक्स की कामना, लैंगिक कामना बढ़ती है। लैंगिक कामना से सेक्स में भाग लेने के मन, दिल लगता है और उसमें जो एंजॉय करते हैं वो तो सेक्स में भाग लेना चाहते हैं। कुछ और समस्या है, जब गर्भ आ गया सेक्स में भाग लेने से वो तो गर्भस्थ शिशु जो है उसके लिए चोट लगेगी, कभी भी ऐसा नहीं, गर्भवती को किसी प्रकार नष्ट नहीं रहेगा, गर्भस्थ शिशु को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इसलिए गर्भवती 7 महीने तक, गर्भ आने के बाद 7 महीने तक जरूर दे सेक्स को एंजॉय कर सकते हैं, किस प्रकार की शंका नहीं होगा, किसी को कर सकते नहीं, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। सेक्स में भाग लेने से किसी प्रकार का उसको या गर्भ शिशु को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। उसके 7 महीने के बाद भी डिलीवरी तक, उस समय तक भी थोड़ा सा केयर लेकर के वो सेक्स में भाग ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। कई लोग समझते हैं गर्भवती सेक्स में भाग लेने से बहुत नुकसान पहुँचेंगे, नहीं, किसी प्रकार का नुकसान ही होगा, ये जरूर दे सेक्स में भाग ले सकते हैं। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित सुख संसार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स।